Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you to the online practical series of subject GAD, that is Graphical Application Development using VB.NET. Today, we are going to perform practical number 12, that is use of timer control and tab control. So, Visual Studio ka software open karne ke baad, sabse pehle hum jayenge file mein and we will click on new project and we will design Windows Form application. Then one form will appear in front of us. So, यहाँ पे हमको टाइमर कंट्रोल का यूज करना है एंड दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 12. तो ये हम एक लेबल लेंगे और ये वहां पे हम लेबल का जो टेक्स्ट है वो सेट कर देंगे कि इट इज प्रैक्टिकल नंबर 12 और उसका जो एम है वो भी हम सेट करेंगे. सो दिस इज द एम ऑफ आवर प्रैक्टिकल. इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ सो दैट इट विल प्रॉपरली विजिबल टू यू. ओके, सो दिस इज आवर एम एंड दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 12. देन यूज ऑफ टाइमर कंट्रोल. सो हमको टाइमर कंट्रोल कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो हमको कंपोनेंट्स में टाइमर कंट्रोल मिलेगा. सो टाइमर कंट्रोल को अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हमारे स्क्रीन पे, तो एक बात आप नोटिस कीजिए कि स्क्रीन के ऊपर ये नहीं दिखेगा, हमारे फॉर्म के ऊपर नहीं दिखेगा टाइमर कंट्रोल. इट विल अपीयर जस्ट बिलो द फॉर्म एंड जब भी हम इसको रन करेंगे तो भी ये हमारे जो रनिंग आउटपुट स्क्रीन है उस पर नहीं दिखेगा. सो इस तरह टाइमर कंट्रोल है. और टाइमर कंट्रोल का हम यूज कब करते हैं कि जब हमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ इवेंट्स हमको करने हैं, कुछ एक्शन हमको परफॉर्म करनी है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, एट दैट टाइम हम टाइमर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो भी रोड पे हमको ट्रैफिक सिग्नल्स दिखते हैं तो उसमें भी टाइमर लगा हुआ होता है ना. तो पर्टिकुलर 30 सेकेंड्स के बाद या पर्टिकुलर 60 सेकेंड्स के बाद हम हमारे जो सिग्नल्स हैं दैट मे गेट चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड रेड टू येलो लाइकवाइज. तो वहां पे भी उसके प्रोग्रामिंग में जो है टाइमर कंट्रोल का यूज होता है. तो एक हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे. सो हम इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करेंगे कि एक हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे. तो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए. ओके, तो इनिशियली हम अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो 1 लिखेंगे. इसका भी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ. तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगी एट दैट टाइम मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज होने वाली है. तो इस तरह से मैं देन हम यहाँ पे 2 बटन्स लेंगे. सो बटन 1 की हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे. दिस इज बटन 1 और उसको हम नाम देंगे कि स्टार्ट टाइमर. हम टाइमर स्टार्ट करेंगे तब हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ऑटोमेटिकली इट विल गेट इंक्रीमेंट बाय 1. देन फिर से एक बटन लेंगे तो उसकी जो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो सेट कर देंगे स्टॉप टाइमर. तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम टाइमर स्टॉप कर देंगे. ओके, सो इफ वी रन दिस फॉर्म सो इट विल लुक लाइक दिस. ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है 1 हमने सेट कर दी है. देन अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे. सो इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमको टाइमर पे कितने टाइम पीरियड के बाद हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए तो उसका इंटरवल हमको देना है एंड एवरीथिंग इज इन मिली सेकेंड्स. ओके, तो हम इंटरवल जो है वो 1000 देंगे यहाँ पे क्योंकि 100 बहुत कम होता है. सो आफ्टर एवरी 1000 मिली सेकेंड्स मीन्स आफ्टर एवरी 1 सेकेंड्स हमारी जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होने वाली है जो भी टेक्स्ट बॉक्स में है. ओके, तो इसके लिए हम टाइमर 1 के अब क्लिक इवेंट में लिखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट क्या होने वाली है इसकी वैल्यू इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस 1. सो इसकी वैल्यू हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे. देन जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए. सो वी विल यूज टाइमर 1. हमने टाइमर 1 लिया है, 1 ही टाइमर लिया है. सो टाइमर 1 डॉट स्टार्ट ये फंक्शन हम यूज करेंगे.
देन इस स्टॉप टाइमर बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइमर 1.stop, हमारा जो टाइमर है वो स्टॉप होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप फंक्शन यूज करेंगे। सो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो अगर मैं स्टार्ट टाइमर बटन पे क्लिक करती हूँ, सो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड देखिए वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1। तो आप कुछ भी वैल्यू इंक्रीमेंट कर सकते हैं या कोई दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब भी मैं स्टॉप टाइमर बटन पे क्लिक करती हूँ तो काउंटिंग यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होना है वो स्टॉप हो गया है। सो अगेन स्टार्ट टाइमर एंड स्टॉप टाइमर। सो इन दिस वे वी कैन यूज द टाइमर कंट्रोल। नाउ वी हैव टू परफॉर्म या वी हैव टू यूज टैब कंट्रोल। टैब कंट्रोल किस तरह से होता है, तो इसी के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक हम फॉर्म ऐड करेंगे नया फॉर्म, तो उसके लिए हमको ये विंडोज एप्लीकेशन 1 पे जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे हम, विंडोज फॉर्म, एक फॉर्म ऐड करेंगे तो फॉर्म 2 अपीयर हो जाएगा। सो विंडोज फॉर्म ऐड, ओके, तो उसको हमने नाम नहीं दिया है, जस्ट फॉर्म 2 ही उसका बाय डिफॉल्ट नाम है। तो अब टैब पेजेस कंट्रोल, तो हमने लास्ट टाइम कंटेनर जो है वो देखे थे, कंटेनर कंट्रोल देखे थे। सो ये जो टैब कंट्रोल है वो भी हमको कंटेनर्स में दिखेगा। हमने ग्रुप बॉक्स का यूज किया है और हमने पैनल कंट्रोल का यूज किया है कंटेनर्स टूल बॉक्स में से, अभी टैब कंट्रोल का यूज करेंगे। सो ये होता है हमारा टैब कंट्रोल। सो टैब कंट्रोल का यूज करने से क्या है कि हम एक ही फॉर्म में मल्टीपल पेजेस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ओके, एक ही टैब में मल्टीपल पेजेस हम ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज, अब हमको इसको नाम देना है, तो हम इस तरह से जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे, टैब पेजेस ये हमारा कंट्रोल है, तो इसके हम कलेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब टैब पेज 1 को मुझे क्या नाम देना है, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है। सपोज मैं कोई यहाँ पे लॉग इन फॉर्म लेती हूँ, सो दिस इज लॉग इन फॉर्म, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ लॉग इन फॉर्म। देन उसका मैं एक कलर भी स्पेसिफाई करती हूँ ताकि वो हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा पेज ओपन कर रहे हैं हम, कौन सा टैब ओपन कर रहे हैं। तो मैंने ये डार्क जो ग्रे कलर है उसको असाइन कर दिया है, ओके कर दिया है। ओके, तो देखिए इसको कलेक्शन में जाके हमने प्रॉपर्टी सेट की है उसकी। तो अब उसका हम फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि हमको वो अच्छे से दिख पाए, तो मैं इसका फॉन्ट साइज लेती हूँ 12 एंड बोल्ड, ओके ओके। अब टैब पेज जो 2 है मैं उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो सपोज मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करना है, उसका पेज मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। देन इसको भी मैं एक कलर असाइन करती हूँ, सो बैक कलर में इसको प्रोवाइड करती हूँ, कोई सपोज एक इंडियन रेड कलर है वो हम इसको असाइन करेंगे। देन उसको अभी फॉन्ट जो है साइज वो भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, सो 12 और बोल्ड कर देंगे, ओके क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम एक बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हैं पेजेस पे, ओके। देन मैं एक लेती हूँ, सपोज मुझे और टैब ऐड करने हैं, तो मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूंगी, ओके। तो मुझे एक इंसर्ट रिकॉर्ड करके सपोज मुझे एक टैब ऐड करना है, तो इस तरह से मैं इंसर्ट रिकॉर्ड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करूंगी और ऐड करूंगी। उसको भी हम कोई बैक कलर जो है वो असाइन करेंगे, यहाँ पे हम इसको ये कोरल कलर असाइन कर रहे हैं, उसका फॉन्ट साइज हम करेंगे फिर से चेंज, सो 12 एंड बोल्ड, ओके। सो ओके, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमको ये इस तरह से दिखेगा टैब कंट्रोल। सो फॉर्म 1 बाय डिफॉल्ट रन हो रहा है, तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज में जाके सेट करना पड़ेगा। हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और इसमें फॉर्म 1 सिलेक्ट है स्टार्टअप फॉर्म, हम इसको बना देंगे फॉर्म 2, तो हमारा जो फॉर्म 2 है वो रन हो जाएगा। अब हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म 2 हमारा रन हो जाएगा। सो देखिए ये लॉग इन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इंसर्ट रिकॉर्ड, तो इस तरह से हमने इनके जो कलर्स है वो में चेंज किए थे। अब देखो हर एक पेजेस पे हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं,
और कुछ ना कुछ कोड कर सकते हैं। फॉर्म को थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये लॉग इन फॉर्म में सपोज मुझे लेना है टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं दो, जिसमें मैं यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करूंगी। तो ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स है। सो एक मैं लेबल लेती हूँ, दिस इज फॉर यूजर आईडी एंड दिस इज फॉर पासवर्ड। और एक मैं बटन लेती हूँ, तो लेबल वन मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि यूजर नेम। एंड लेबल टू की मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करती हूँ कि आपको यहाँ पे सपोज पासवर्ड डालना है। और ये बटन वन जो है मैं इसको सबमिट नाम दे देती हूँ, या फिर लॉगिन नाम देंगे हम इसको, लॉगिन। तो जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी सपोज, तो मुझे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं मैसेज बॉक्स का यूज करूंगी, मैसेज बॉक्स। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगी कि लॉगिन सक्सेसफुल, दैट इज लॉगिन सक्सेसफुल। अब इसमें हम कुछ कंडीशन भी दे सकते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रही हूँ, सो लाइक मेरा यूजर नेम एडमिन है और मेरा पासवर्ड 1234 है तो ही मेरा मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। इस तरह से हम कोई कंडीशन भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो फिर से हम डिजाइन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उस टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे, जहाँ पे हम नेम एंटर करेंगे, आपका जो क्लास है वो एंटर करेंगे, आपका सिटी इंसर्ट करेंगे, एंड फिर से हम यहाँ पे कोई बटन्स ले सकते हैं जिसको हम नाम देंगे फिर से रजिस्टर करके, एक बटन को हम नाम देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हम पेजेस यहाँ पे ले सकते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड में भी हम जा सकते हैं, एक लेबल लेंगे यहाँ पे, वो लेबल को बोलेंगे कि इंसर्ट रिकॉर्ड है, ये समझ में आना चाहिए इसलिए इसको टेक्स्ट लिखेंगे कि इंसर्ट करके। उसके बाद हम यहाँ पे सेम ले सकते हैं, एक बटन ले सकते हैं एंड टेक्स्ट बॉक्सेस भी ले सकते हैं बहुत सारे, जो भी आपको यहाँ पे कोड करना है या ऐड करना है इस फॉर्म पे हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बटन को थोड़ा सा नाम दे देंगे इंसर्ट, ओके। तो अब हम अगर इसको रन करते हैं तो देखिए इस तरह से हमको दिखेगा। सो ये मेरा लॉगिन फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। मैं यहाँ पे कोई डाल रही हूँ डेटा और पासवर्ड मैं डाल रही हूँ। हम पासवर्ड सिर्फ नंबर के फॉर्म में भी एंटर करेंगे तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसे भी हम कोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्म है। तो जब भी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे मैसेज मिला है लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। देन मेरा नेक्स्ट टैब है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो यहाँ पे मैं कुछ एंटर करती हूँ, ओके। तो इस पे भी हम कुछ इवेंट दे सकते हैं कि मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे मैसेज मिलना चाहिए, ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लाइक दिस। देन इंसर्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे भी हम कुछ एंटर कर सकते हैं और अगर इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे मैसेज मिल लगा कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। तो इस तरह से हम टैब कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। सो इफ नॉट अंडरस्टूड देन वॉच वीडियो फ्रिक्वेंटली, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।